जय श्री राधे मित्रों, जय माता दी मित्रों। चंद्रवर्णी भक्तिरस चैनल के माध्यम से मैं पंडित दीपक उपाध्याय देवभूमि उत्तराखंड से आपके अपने चैनल चंद्रवर्णी भक्तिरस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आद्य शक्ति माँ भगवती से करवत प्रार्थना करता हूं कि माँ भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके जीवन के समस्त विघ्न बाधाओं का माता रानी हरण करें और आपका जीवन आनंदमयी हो। तो चंद्रवर्णी भक्तिरस चैनल के माध्यम से आज का जो हमारा कार्यक्रम होगा वह होगा कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए। तो कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज का कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करेंगे कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए 23 अक्टूबर से लेके 29 अक्टूबर 2023 का यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। वीडियो के अंतिम में बात करेंगे सुंदर सटीक महत्वपूर्ण उपाय की, जिस उपाय को करके आप इस सप्ताह को जो है शुभ फलदायी बना सकते हैं, आनंददायी लाभदायी बना सकते हैं। तो आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक अवश्य बने रहें, वीडियो को जो है इष्ट मित्रों तक शेयर करना न भूलें। जो पहली बार हमसे जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है वह समय समय अनुसार आप तक पहुंच सके और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो अब ज्यादा देर न करते हुए बात करते हैं कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए 23 से 29 अक्टूबर का यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो आज का यह कार्यक्रम जो होगा हमारा यह चंद्र लग्न से आधारित होगा। तो सर्वप्रथम बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। तो कुंभ राशि वालों के लिए यह जो सप्ताह होगा 23 से 29 अक्टूबर का, यह सप्ताह आपके लिए थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है। इस सप्ताह आप जो है जिसकी मदद करेंगे वही आपको जो है चोट पहुंचाता हुआ नजर आएगा, जिसकी भी आप मदद करेंगे वही आपको नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में कोई भी निर्णय अगर आप लें या फिर कोई भी काम अगर आप करें तो बहुत सोच समझ करके आपको कोई निर्णय लेना है, कोई काम करना है। और इस बात का पूरा आपको ध्यान रखना है कि हवन करते समय जब आप हवन कराएं घर में, तो हवन करते समय आपका हाथ न जल जाए, इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। नौकरी पेशा करने वाले जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं, जो नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं, तो नौकरी पेशा करने वाले लोगों को कामकाज के सिलसिले में लंबी या फिर छोटी दूरी की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। या जो है नौकरी पेशा करने वाले लोग हो गए या कामकाज करने वाले लोग, तो कुछ लंबी या छोटी दूरी की यात्राएं जो है आज आप कर सकते हैं, इस सप्ताह कर सकते हैं। यात्रा जो भी आप करेंगे वह थकान भरी रहेगी, लेकिन यह यात्रा आपके नए नए संपर्क बढ़ाएगी और नए नए संपर्क बढ़ाने और काम में सफलता दिलाने वाली यह यात्रा आपके लिए रहेगी। सप्ताह का जो मध्य भाग होगा 23 से 29 अक्टूबर का, तो सप्ताह के मध्य भाग में जो है अचानक से कुछ बड़े खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, कुछ बड़े खर्चे सामने आ सकते हैं, जिसके चलते थोड़ा सा आपका जो बजट है वह गड़बड़ा सकता है। और दूसरों से धन लेने की नौबत आ सकती है, दूसरों से उधार लेने की नौबत जो है कुंभ राशि के जातकों के इस सप्ताह आ सकती है। सप्ताह का जो पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध भाग होगा, सप्ताह का जो उत्तरार्ध हिस्सा होगा यानी कि अंतिम हिस्सा होगा, तो उत्तरार्ध भाग थोड़ा सा पूर्वार्ध के मुकाबले आपके लिए राहत भरा रहेगा, उत्तरार्ध भाग थोड़ा सा आपके लिए राहत भरा हो सकता है। इस दौरान आप जो है अपने समय का सदुपयोग करते हुए दिखेंगे, जो है अपने समय का सदुपयोग करते हुए सही दिशा की तरफ आप काम करेंगे और नतीजा क्या होगा कि आपको जो है मन चाहे परिणाम भी मिलते हुए दिख रहे हैं और आपको लाभ की भी प्राप्ति होगी। बाजार में अगर कोई आपका धन फंसा हुआ है, कुंभ राशि के जातकों का अगर बाजार में कोई धन फंसा हुआ है, तो अप्रत्याशित रूप से वह धन आपका निकल जाएगा। इस सप्ताह जो है वह धन आपका निकलता हुआ दिख रहा है। नौकरी पेशा करने वाले लोगों के जो है आय के अतिरिक्त साधन बनते हुए दिखते हैं, अनेक साधन बनते हुए दिख रहे हैं, अतिरिक्त स्रोत बनते हुए दिख रहे हैं और लव पार्टनर जो है आपके कठिन समय में जो है आपका मददगार साबित होता हुआ दिख रहा है। जो आपका लव पार्टनर है कठिन समय में आपका मददगार साबित होगा। परिवार में जो है हंसी खुशी समय बिताने के अवसर जो मिलेंगे, परिवार के लोगों के साथ जो है अच्छे हंसी खुशी के अवसर बिताने का समय जो है आपको मिलेगा। बात करते हैं उपाय की, उपाय क्या करें कुंभ राशि के जातक, जिससे आप इस सप्ताह को जो है 23 से 29 अक्टूबर के सप्ताह को सुफलदायी बना सके। तो कुंभ राशि के जातकों को जो है उपाय के तौर पे इस सप्ताह जो है प्रतिदिन शंकर भगवान का पूजन करना है और प्रतिदिन तांबे के लोटे से भगवान शंकर को आपको जल समर्पित करना है और शिव चालीसा का ही आपको पाठ करना है। तो अगर आप यह उपाय करेंगे तो आप इस सप्ताह को सुफलदायी आनंददायी लाभदायी बना सकेंगे। तो यह उपाय जो है जरूर कुंभ राशि के जातक करें। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों की, कैसा रहेगा मीन राशि के जातकों के लिए 23 से 29 अक्टूबर 2023 का यह सप्ताह।
तो जितने भी मीन राशि के जातक हैं, मीन राशि के जातकों के लिए 23 से 29 का यह सप्ताह शुभदायी होने वाला है, सौभाग्यदायी आपके लिए यह सप्ताह होने वाला है। इस सप्ताह जो है धन धान्य की प्राप्ति आपको होगी और आपके अटके हुए जो कार्य हैं, जो रुके हुए कार्य हैं, वह कार्य आपके पूरे होते हुए दिख रहे हैं। व्यवसाय व नौकरी में जो है आपकी धाक जमते हुए दिख रही है, जहां जो भी आप व्यवसाय करते हैं उसमें आपकी धाक जमेगी, व्यापार में जो है वृद्धि होगी और नौकरी में भी जो है आपको लाभ की प्राप्ति होगी, वृद्धि की प्राप्ति होगी और आपके द्वारा की गई मेहनत और प्रयास का पूरा परिणाम जो है आपको मिलता हुआ दिख रहा है। आपके द्वारा जो मेहनत की गई उसका और जो मेहनत है और जो भी आपने प्रयास करे हैं उसके पूर्ण रूप से परिणाम आपको सकारात्मक परिणाम मिलते हुए दिख रहे हैं। आप जो है मनचाहा लाभ प्राप्त करने में इस सप्ताह कामयाब होंगे। मीन राशि के जातक, मनचाहा लाभ आपको प्राप्त होगा और प्रभावी लोगों से जो है आपका संपर्क इस सप्ताह बढ़ता हुआ दिख रहा है। धर्म और अध्यात्म के कार्य में जो है आपकी रुचि बढ़ेगी, धर्म के कार्यों में, अध्यात्म के कार्यों में रुचि बढ़ती हुई दिख रही है और घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य आपके संपन्न होते हुए दिख रहा है। आपके घर परिवार में कोई शुभ कार्य, मांगलिक कार्य संपन्न होगा। सुलह समझौते से जो है धन संपत्ति से जुड़े विवाद आपके दूर होंगे। आपके धन संपत्ति से जुड़े हुए जो भी सुलह हो, जो भी विवाद हैं, वह सुलह के द्वारा, समझौते के द्वारा दूर होते हुए दिख रहे हैं। और बेरोजगार लोगों के लिए, जो बेरोजगार मीन राशि के जातक हैं, तो बेरोजगार लोगों को नौकरी का जो है कहीं से प्रस्ताव मिल सकता है। राजनेताओं के लिए यह समय थोड़ा सा अनुकूल रहने वाला है। जो राजनेता हैं मीन राशि के जातक, उनके लिए यह समय अनुकूल रहेगा और उनका प्रभाव जो है समाज और पार्टी के भीतर बढ़ता हुआ दिख रहा है। सत्ता सरकार में सत्ता सरकार में आपकी पैठ बढ़ती हुई दिख रही है, तो आपके लिए यह जो समय है वह अच्छा रहने वाला। तो सप्ताह का जो उत्तरार्ध भाग होगा, यानी कि सप्ताह का जो अंतिम हिस्सा होगा, तो सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में जो है मीन राशि के जातकों को आपको व्यवसाय में जो है खासा लाभ होने के योग बन रहे हैं। नौकरी पेशा करने वाले लोगों की भी जो है कार्य क्षेत्र में, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बन रहे हैं और सीनियर और जूनियर दोनों ही जो है आप पर इस सप्ताह मेहरबान रहेंगे। तो इसका नतीजन क्या होगा कि आपकी तरक्की के मार्ग जो हैं वह आगे बढ़ते हुए दिखेंगे और तरक्की के मार्ग जो है आपके प्रशस्त होते हुए दिख रहे हैं। इस दौरान जो है 23 से 29 अक्टूबर के दौरान मीन राशि के जातकों को जीवन साथी से जो है कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है और किसी बड़े कार्य को करते समय जो है ससुराल पक्ष से विशेष संयोग की प्राप्ति जो है मीन राशि के जातकों को होते हुए दिख रही है। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता इस सप्ताह बनी रहेगी और प्रेम संबंध जो है वह विवाह में तब्दील आपके हो सकता है। वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो मीन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह जो है वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही आनंददायी यह समय रहेगा और वैवाहिक जीवन आपका सुखमय आनंदमय बना रहेगा। बात करते हैं उपाय के, कि उपाय क्या करें जो है मीन राशि के जातक, जिससे आप इस सप्ताह को सुफलदायी, आनंददायी, लाभदायी बना सकें। तो मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह को सुफलदायी बनाने के लिए प्रतिदिन आपको जो है तुलसी जी की सेवा करनी है, तुलसी जी का आपको पूजन करना है और भगवान विष्णु की आपको पूजा करनी है। तो अगर आप यह उपाय करेंगे तो आप इस सप्ताह को सुफलदायी बना सकेंगे। तो आप यह उपाय जरूर करें ताकि आप इस सप्ताह को लाभदायी बना सकें, आनंददायी बना सकें। तो यह उपाय आपको जरूर करना है। तो आज का यह कार्यक्रम आपको हमारा कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएं। वीडियो अच्छा लगा तो इस मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है वह समय समय अनुसार आप तक पहुंच सके और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो पुनः अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक मां भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें, समस्त मनोरथों को पूर्ण करें। जय माता दी।